चैनल आप देख रहे हैं विकास पंचाल ब्लॉग। सो आज आए हम इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर, जो कि है महिंद्रा का शोरूम, और एक्सप्लोर करते हैं ऑल न्यू एक्सयूवी जो कि चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हेलो, अब चलते हैं के पार्ट्स है। आज आए हम महिंद्रा के शोरूम पर, जो कि काफ़ी मस्कुलर लुक और डिजाइन वाली एक्सयूवी, जो कि है एक्सयूवी 400 है, जो कि इलेक्ट्रिक कार एक्सयूवी है। और अब करते इसको एक्सप्लोर और आपको दिखाते हैं ऑल न्यू एक्सयूवी 400, जो कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है गाइस। फाइनली इसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला है और अब ऑल न्यू एक्सयूवी 400 है गाइस, जो कि वी फन, वी फास्ट और वी इलेक्ट्रिक एक्सयूवी है गाइस, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है और जो दिखने में काफ़ी मस्कुलर लुक और डिजाइन है और दिखने में काफ़ी रफ एंड टफ है। ग्लोबल एनकैप में 5 रेटिंग के साथ आई है ये एक्सयूवी, जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है जो कि इस कार एक्सयूवी पर निखर कर आ रहा है। और अब करते इसको एक्सप्लोर और आपको दिखाते हैं ऑल न्यू एक्सयूवी 400 फुली इलेक्ट्रिक है, और देखते हैं इसके फीचर और प्राइस और कैसे रफ एंड टफ एक्सयूवी है, और करते हैं आप इसको एक्सप्लोर और आपको दिखाते ऑल न्यू एक्सयूवी 400। और ये की, ये फ्लेक्सिबल की है, ये लोबो जो ही ब्लैक एंड गोल्डन का जैसा कलर है वैसा ही की कलर है गाइस, गोल्डन एंड ब्लैक का, जो कि कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। ये लॉक अनलॉक है गाइस, यार ये बूट है, कुछ इस तरह की है। और ये कार एक्सयूवी 400 है गाइस, इसका फ्रंट लुक देखे काफ़ी मस्कुलर लुक और डिजाइन है। और बात करें ये DRL जो कि इसकी एल शेप है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है गाइस, क्रॉप कुछ इस तरह लोगो, ये क्रॉस डिजाइन एलिमेंट जो कि इस एक्सयूवी पर काफ़ी लुक को काफ़ी एंगेज कर रहा है गाइस। लाइट, ये लाइन जो कि गोल्डन कलर की, जो कि इस कार पर काफ़ी खूबसूरत है, ये डिजाइन लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। ये क्रॉस के डिजाइन है जो कि इसके लुक को काफ़ी खूबसूरत करता है। ये लो ग्रिल है गाइस, लुक से देखें तो काफ़ी इस तरह की लुक है गाइस इस एक्सयूवी की 400 की। और साइड से लुक की बात करें तो इस तरह की लुक है। और अब टायर प्रोफाइल की बात करें, वोलो का टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। साइज की बात करें 205/65R16 का टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। ये डायमंड कट अलॉय व्हील और ये डिस्क ब्रेक जो कि इस कार एक्सयूवी पर निखर कर रहे हैं। ये महिंद्रा का लोगो और ये साइड ORM जो कि साइड इंडिकेटर के साथ है। और बात करें ये क्लाइडिंग जो कि गोल्डन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन है, इस एक्सयूवी पर काफ़ी निखर कर रहे हैं। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात है वो है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। ये रियर टायर प्रोफाइल की बात करें वो है 205/55R16 टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। और ये डायमंड कट अलॉय व्हील, रियर में डिस्क ब्रेक है गाइस जो कि प्लस पॉइंट है, जो कि सेफ्टी पर्पज में काफ़ी ठीक ठाक है। ये महिंद्रा का लोबो जो कि गोल्डन कलर में, जो कि इस कार को काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। की बात करें वो 1634 की हाइट है गाइस, जो ठीक ठाक है गाइस। ओवरऑल लेंथ की बात करें वो है 4200 mm की है गाइस। जो इसकी चौड़ाई की बात करें वो है 1821 mm की है गाइस, जो काफ़ी ठीक ठाक है। अदर कार को देखो तो काफ़ी ठीक ठाक है गाइस। ओवरऑल जो इसकी व्हील बेस की बात करें वो है 2600 mm की व्हील बेस है। ये गोल्डन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो कि इस
एक्सयूवी को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। और ये रूफ रिल जो कि पियानो फिनिशिंग के साथ है, और ये एंटीना है गाइस जो कि इस कार को काफ़ी लुक में काफ़ी शानदार बना देता है। ये नंबर प्लेट लाइट, ये कैमरा, ये महिंद्रा का लोगो, ये डिफॉगर, ये रियर वाइपर, ये एंटीना, साफ एंटीना है गाइस। और ये एक्सयूवी की बैजिंग ये दो सेंसर के साथ आती है, ये डिफॉगर। और जो हाइट है वो काफ़ी ठीक ठाक है गाइस। ये एक्सयूवी 400 की बैजिंग। ये जो बूट स्पेस है वो है 380 लीटर का बूट स्पेस है। और जो सीट है काफ़ी खूबसूरत सीट है गाइस। और ये हुक है गाइस। और टायर की बात करें वो टायर है 16 इंच का टायर है। और ये टूल किट जो कि स्पेस है काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है गाइस। ये सामान रख सकते हो गाइस, चार्जिंग। और ये फर्स्ट एड किट है गाइस। और ये थोड़े फीचर के लिए थोड़े कॉम्बिनेशन है। ये ग्लाइडिंग जो कि इस कार को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। साइड से लुक कुछ इस तरह की है। ये डी शेप है गाइस जो कि पियानो फिनिशिंग के साथ है। कीलेस सिस्टम, वेलकम कीलेस सिस्टम है गाइस। ये इंटीरियर है गाइस। ये जो गत्ता है काफ़ी हार्ड गत्ता है गाइस। ये डोर ओपनर है गाइस। ये ट्विटर। और ये पियानो फिनिशिंग के साथ पावर विंडो, ये चाइल्ड लॉक, ये एडजस्टेबल ओवर कर सकते हो। और ये मैगजीन होल्डर, दो बोतल होल्डर है गाइस। और ये सीट एडजस्टेबल, अपने अकॉर्डिंग सीट कर सकते हैं आप, ये डाउन है गाइस। और ये है गोल्डन एंड ब्लैक पियानो फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन है जो कि एसी वेंट। ये लेदर फिनिशिंग स्टीयरिंग, लेदर रैप स्टीयरिंग बार है गाइस। ये वॉइस कमांड क्रूज कंट्रोल, ये कॉल रिसीव एंड कट और म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल है गाइस। और पियानो फिनिशिंग के साथ हैंडल बार दे रखा है लेदर रैप के साथ। और ये कुछ इस तरह का है। ये लाइटिंग के कंट्रोल है गाइस। और ये वाइपर के कंट्रोल है, डिस्प्ले है गाइस जो कि डिस्प्ले है गाइस। ये स्पीडोमीटर, ये लाइटिंग, ये सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये गेट खुला हुआ उसके ऑप्शन दिखा रखा है। ये ABS है गाइस। ये पार्किंग मोड, ये रेंज दिखा रखी है, बेहतर रेंज है। ये टाइमिंग जो कितना टेम्परेचर है गाइस। और ये बैटरी चार्जिंग पॉइंट है, ये कितनी चार्ज है गाइस वो दिखा रखा है गाइस। फुली डिस्प्ले है गाइस जो कि मीटर कंसोल है। ये साइड इंडिकेटर दे रखा है गाइस। ये ऑटोमेटिक है गाइस साइड लाइटिंग कंट्रोल। और ये रेन वाइपर कंट्रोल है गाइस जो कि फुली ऑटोमेटिक है गाइस। ये पुश बटन स्टार्ट, ये एसी वेंट जो कि ऑटोमेटिक है गाइस, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये USB पोर्ट, ये 12 वोल्ट का चार्जर है गाइस। ये ऑक्स लीड के लिए, ये है रिवर्स न्यूट्रल डी पार्किंग मोड है गाइस। और ये है पियानो फिनिशिंग के साथ दे रखा है गाइस। इसमें छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। ये 8 इंच की डिस्प्ले है गाइस। और ये टिकट होल्डर, येलो जेल ग्लास होल्डर है, आप इसमें अपना चश्मा वगैरह रख सकते हो। ये ORVM है गाइस, 6 एयरबैग के साथ आती है गाइस। और ये ग्लो बॉक्स, अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये मैगजीन होल्डर, कप होल्डर है गाइस, और पियानो फिनिशिंग के साथ है। ये पावर विंडो, ये डोर ओपनर है गाइस, ये एसी वेंट है गाइस, ट्विटर, 6 एयरबैग आते हैं गाइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यहाँ पर होता है गाइस। ये कप होल्डर है गाइस एंड ब्रेक, ये छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं गाइस। लेदर रैप के साथ है गाइस, आप देख ही पा रहे हो।
ये है फुली इंटीरियर गाइस, जो कि ऑटोमेटिक एक्सयूवी 400 है, जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। ये डैशबोर्ड है गाइस, 6 एयरबैग के साथ आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स है गाइस। ये सनरूफ है गाइस, अदर कार से काफ़ी लार्ज है, देख सकते हो। ये देखिए गाइस, डाउन अप करिए, ये आप और अदर कारों से ज़्यादा बड़ा सनरूफ है, क्योंकि ये महिंद्रा का सनरूफ है और महिंद्रा ही कार है, जो कि बिल्ड क्वालिटी में और प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा जानदार प्रोडक्ट है। ये वॉइस कमांड के लिए स्पीकर कुछ इस तरह गुड बाय दिखा रखा है गाइस। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार प्रोडक्ट, जो कि कार से रिलेटेड है, और मैं लाया हूँ कार एयर परफ्यूम, जो कि आपकी कार को काफ़ी खुशबूदार बना देती है और काफ़ी मज़ेदार एयर परफ्यूम है, जो कि कार को काफ़ी सुगंध से भरपूर बना देती है। और ये एयर परफ्यूम है जो कि आपको कार को भी खूबसूरत बनाएगी, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। आप अपने कार में बस आपको लगाना है और ये कार खुशबू से महक उठे पड़ेगी गाइस। ये प्रोडक्ट है, ये लो लो प्राइस में ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा खुशबूदार, जो इसकी खुशबू है वो बीनी बीनी नेचुरल नेचुरल जो नारियल के बुरदे होते हैं उससे बना हुआ है, जो कि नो केमिकल का यूज़ किया गया है। जो इसकी खुशबू है वो नेचुरल खुशबू है, जो प्राकृति से ली गई खुशबू है गाइस, जो कि आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है और केमिकलों से बने हुए है, बट ये नेचुरल है गाइस, जो कि आप तमिलनाडु या केरला में जो नारियल है उसके जो बुरदे होते हैं उससे बना हुआ है गाइस। और ये आप अपने कार में लगवा कर अपने कार को काफ़ी सुगंध से भरपूर बना सकते हो। ये है प्रोडक्ट, इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में, ये ट्विटर है गाइस, ये स्पीकर है गाइस, 1 2 3 4 4 स्पीकर के साथ आती है गाइस। अब रियर में चलते हैं और रियर का बताते हैं गाइस। ये डोर ओपनर लॉक अनलॉक, ये रियर पावर विंडो कुछ इस तरह की है, और ये लेदर फिनिशिंग के साथ पैन फिनिशिंग के साथ है गाइस। और ये मैगजीन, इसमें मैगजीन रख सकते हो। ये गाइस जो थाई स्पोर्ट है वो ठीक ठाक है, वो काफ़ी ठीक ठाक है। मेरी जो हाइट है वो 5.7 इंच है, जो कि काफ़ी स्पेस है गाइस। अगर 6 इंच का बंदा बैठता है तो उसको हाइट के अनुसार ठीक ठाक रहेगा। और फ्रंट का लुक कुछ इस तरह का गाइस, ये डैशबोर्ड जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे एसी वेंट नहीं दे रखे गाइस, थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग किया। ये हेलोजन लाइट और ये हैंडरेस्ट, लॉन्ग पैसेंजर आराम से आ सकते हैं गाइस। और जो सीट है पोजिशन है वो काफ़ी ठीक है, जो थाई स्पोर्ट है अंडर वो ठीक है गाइस, और जो स्पेस है वो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है गाइस। ये हैंडरेस्ट जो कि 3 दे रखे गाइस, ये यहाँ पे पार्सल ट्रे है गाइस, और आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, जो कि लॉन्ग रूट पर जाते हो तो थकान महसूस नहीं होगी। 3 पैसेंजर आराम से आ सकते हैं। और कुछ इस तरह का इंटीरियर है गाइस इस एक्सयूवी का, चलता है गाइस और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये चार्जिंग पॉइंट, इससे आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हो। ये मोटर है, मोटर कंट्रोलर है गाइस, जो कि दिखने में काफ़ी हैवी मोटर दे रखी है गाइस। और जो वेट देखे, इसका वेट काफ़ी है गाइस, जो कि काफ़ी हैवी चादर का यूज़ किया गया है, और
कुछ इस तरह का है इंजन है, ओ सॉरी ये मोटर है गाइस, फुली इलेक्ट्रिक। अगर इसकी बैटरी की बात करी जाए ना, तो इसकी बैटरी है 39.4 किलो वाट आर की बैटरी आ रही है इसकी। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो जो इसकी पावर है वो जो जनरेट कर रही है 150 PS पावर जनरेट कर रही है। और रही बात टॉर्क की, टॉर्क की बात करूँ तो 310 PS NM की टॉर्क जनरेट कर रही है, 310 NM। टोटल रेंज की अगर मैं बात करूँ ना इस बैटरी की, जैसे बताया था कि इसकी रेंज जो है ना वो 456 किलोमीटर है रेंज, एक बार 100% अगर चार्ज करते तो आप चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 5 से 6 घंटे लेती है फास्ट चार्ज पे। जो चार्जर जो इसके साथ आ रहा है टॉप मॉडल के साथ वो 7.2 किलो। ये तीन मोड दे रखे हैं, फन फास्ट वी इलेक्ट्रिक, जो कि 0 से 100 की स्पीड मात्र 8.3 में पकड़ लेते हैं, अचीव कर लेते हैं गाइस, जो कि सनरूफ है इलेक्ट्रिक में सनरूफ दे रखा है गाइस, 6 एयरबैग है गाइस, और पार्किंग और स्पेस में भरपूर कार है गाइस। ये चार्जर आ रहा है इसके साथ 7.2 किलो वाट का चार्जर, ये टॉप मॉडल के साथ आ रहा है, ये टॉप मॉडल का चार्जर है। आपका नाम? माय नेम इज अनूप सिंह। ओके सर, बताया था स्टार्टिंग में ये हमारा टॉप मॉडल है। ओके एक्सयूवी 400 टॉप मॉडल। ओके सर, हाँ इसका टोटल प्राइस कितना है? अगर मैं इसकी प्राइस बताएं 20,33,000। और जो सब्सिडी इंक्लूड ही है? सब्सिडी अगर मैं इसकी सब्सिडी की बात करूँ तो प्राइस जो इसके अंदर आ रहा है, जो हमने ऑन रोड प्राइस दिया है इसका 20,33,000 मैंने आपको बताया, उसमें सब्सिडी कट गई है गवर्नमेंट की। ओके सर, हाँ सब्सिडी कितनी टोटल जो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू है? सब्सिडी कट गया तो मतलब ये लगा लीजिए 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये के आसपास वो कट गया ऑलरेडी। ओके ओके, गवर्नमेंट ने पहले माइनस कर रखा है। ओके और सर यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। वजीरपुर में है, इंडस्ट्री एरिया वजीरपुर, आउटर में पड़ जाता है ये वजीरपुर, इंद्रप्रस्थ। अगर मैं शोरूम की बात करूँ तो इंद्रप्रस्थ है ये हमारा शोरूम, इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कौन से बैंक से फाइनेंस कराते हो आप? SBI, HDFC बैंक। जो बेस्ट स्कीम चल रही है फिलहाल वो कौन सी चल रही है? अभी जो बेस्ट स्कीम आई है इस गाड़ी पे 400 के ऊपर आई है वो अभी महिंद्रा, तो महिंद्रा फाइनेंस आई है हमारी महिंद्रा की स्कीम, वो सिर्फ ओनली फॉर 400 एक्चुअली 400। ये देखिए ना महिंद्रा फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोन ऑफर्स विद द ऑल इलेक्ट्रिक एक्चुअली 400। ये जो सबसे कम ROI, अगर मैं ROI की बात करूँ 7.99, ये ब्याज दर है इसकी। अगर मैं और बैंकों की बात करूँ जैसे प्राइवेट बैंक अगर इस पर फंडिंग करें तो फिर उसमें 8.50 या 9 चले जाता है। अभी जो बेस्ट स्कीम चल रही है वो महिंद्रा ही फाइनेंस कर रहा है, देखो महिंद्रा की गाड़ी एक्चुअली 400 और महिंद्रा ही हमारा फाइनेंस कर रहा है सबसे कम ब्याज दर। अगर मैं बात अगर गवर्नमेंट के लिए क्या वो है गवर्नमेंट का जो नॉर्मल जो बिजनेसमैन क्या है, जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ही ऑफर कर रहे हैं इसमें। okay. कोई भी जैसे प्राइवेट है कोई बिजनेस कर रहा है या कोई सैलरीड है सैलरीड पर्सन है। सिविल स्कोर कितना होना चाहिए लमसम? नहीं अगर मैं सिविल स्कोर की बात करूँ तो 700+ होना चाहिए, 700+। ओके ओके, और कि मतलब कितने बुकिंग अमाउंट बता दीजिए कितना बुकिंग अमाउंट? अगर मैं बात करूँ कोई बुकिंग अमाउंट है हमारा एक्चुअली 400 का इलेक्ट्रिक मोटर। ओके और जो इसका डाउन पेमेंट कितनी लेखा है इसको फाइनेंस कराने? डाउन पेमेंट ये लगा लीजिए लगभग 4 से 5 लाख तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं एक्चुअली 400 का। ओके 4 से 5 लाख। ठीक है, यहाँ का फ़ोन नंबर बता दीजिए अपना फ़ोन नंबर। मैं नंबर बता देता हूँ आपको। ओके 9871137414। ओके नंबर मेरा ही है, माय नेम इज अनूप सिंह, अर्लियर आई टोल्ड यू माय नेम, तो ये नंबर मेरा ही है। ओके है हमारा फ्रेंड कह लो विकास पांचाल, तो मैं यही चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू भाई। ओके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यू वी पर प्यार बनाते रहे, विकास पांचाल ब्लॉग को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, मच बाय।